सुवर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित धनकुवरबेन बाबू भाई ढाकड़ हॉस्पिटल और रमाबेन प्रवीण भाई ढाकड़ कार्डियक सेंटर के उद्घाटन के लिए उद्घाटक के रूप में जिन्होंने हमें अनुग्रहित किया ऐसे परम पूजनीय सरसंग चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत हमारे साथी और जिन्होंने पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ एक मिशन के रूप में इस कार्य को हाथ में लिया था और आज उसको संपन्न भी किया है ऐसे हमारे सहयोगी लोकप्रिय विधायक भाई योगेश सागर जी इस सुवर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री बाबूभाई धानक जी आज सभागार में उपस्थित सम्मानीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी राहुल नार्वेकर जी आशीष शेलार जी गोपाल शेट्टी जी रामभव नाइक जी सुनील राणे जी मनीषाताई चौधरी सभी यहाँ पर उपस्थित दाना और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले सुवर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट और विशेष रूप से योगेश सागर जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सुसज्जित इस प्रकार का हॉस्पिटल आज उसका लोकार्पण किया है हम लोग हॉस्पिटल देखने के लिए गए थे और जितनी भी आधुनिक यंत्र सामग्री आवश्यक है ऐसी सारी स्टेट ऑफ आर्ट जिसको हम कहते हैं इस प्रकार की सारी मशीनरी और इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में देखने को मिले अत्याधुनिक कैथलैप से लेकर तो हार्ट लंग मशीन तक सारे फैसिलिटीज वहां पर हमको देखने को मिली विशेष रूप से जो ऑपरेशन थिएटर्स तैयार किए हैं वो बहुत ही आधुनिक है और सबसे महत्व की बात यह है कि गरीब से गरीब जो पेशेंट है उसकी भी जो व्यवस्था है जिसको जनरल वार्ड कहा जाता है तो योगेश जी ने कहा कोई जनरल नहीं होता सब स्पेशल है हमारे लिए इसलिए उन्होंने उसको इकोनॉमी वार्ड कहा है और उसमें भी जो व्यवस्था की गई है वहां पर भी वो वार्ड भी वातानुकूलित इस प्रकार का वार्ड है वहां की भी सारी सुविधाएं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार की है तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसकी सांपत्तिक स्थिति कैसी भी हो गरीब हो मध्यम वर्गीय हो या अमीर हो सभी को एक जैसी ट्रीटमेंट वहां पर मिलेगी ये व्यवस्था योगेश भाई ने की है जैसा हमने सुवर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट का इतिहास देखा एक लंबे समय से कार्यरत इस प्रकार के ट्रस्ट है और एक छोटा हॉस्पिटल फिर डायलिसिस सेंटर यहां से लेकर 2019 में जब योगेश भाई के कांधों पर ट्रस्ट की जिम्मेवारी आई और उन्होंने तय किया कि 140 बेड का या अत्याधुनिक इस प्रकार का हॉस्पिटल वो तैयार करेंगे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और अक्सर वो मुझसे चर्चा करते थे तो उनके मन में यही चिंता होती थी कि जिम्मेवारी तो मैंने ली है लेकिन क्या मैं इसे पूरी कर पाऊंगा और एक स्वयंसेवक कैसा होता है तो योगेश भाई ने जब उनके मन में ये शंका थी कि इसके लिए मैं पैसा खड़ा कर पाऊंगा कि नहीं उस समय उन्होंने ये भी प्लान तैयार किया था कि समय पर पैसा नहीं आया तो मैं अपना घर भी बेच दूंगा लेकिन इसको मैं पूरा करूँगा ये समर्पण की वृत्ति के साथ उन्होंने इसको तैयार किया और अक्सर जब एक समर्पण की भावना से हम लोग कोई भी अच्छा काम हाथ में लेते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में अच्छे कार्यों को मदद करने के लिए अक्सर लोग आग, आगे आते हैं दानदाता आगे आते हैं और उसी प्रकार से सारे दानदाता ये सामने आए और आज इतना अच्छा कार्य यहाँ पर खड़ा हुआ जिन दानदाताओं का हमने स्वागत किया है मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और जिन्होंने ग्यारह रुपए भी दिए हैं उनका भी उतना ही अभिनंदन करता हूं क्योंकि मन में यह भावना महत्व की है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है इस कार्य में मेरा भी समर्पण होना चाहिए तो समर्पण की भावना से यह हॉस्पिटल यहां पर तैयार हुआ है और इसमें गरीबों की सेवा करना ये तो उद्देश्य है ही लेकिन साथ साथ योगेश भाई ने ये भी संकल्प किया है कि हमारे थाना और पालगढ़ जिले में जो आदिवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो हमारे गरीब आदिवासी भाई बहन है इनको टर्शरी केयर की जहां आवश्यकता पड़ेगी ऐसे लोगों को वहां से लाना यहां पर पूरे उपचार उनके करना और उनको उनके घर तक वापस छोड़ देना इस प्रकार का कार्य भी यहां पर चलने वाला है तो अस्पताल तो वहाँ नहीं ले जाया जा सकता लेकिन उनको यहाँ लाया जा सकता है इस संकल्पना के ऊपर इसको उन्होंने तैयार किया है और मेरा विश्वास है कि इस संकल्प को भी वो पूरा करेंगे वैसे तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है और अब आपने ये देखा भी योगेश भाई कि जब आप लोगों को आवाहन करते हैं तो लोग आगे आकर मदद भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चैरिटेबल हॉस्पिटल में चैरिटी के अंतर्गत कुछ तो काम हमको करना पड़ता है कुछ कंपल्शन भी है लेकिन उस कंपल्शन से आगे जाकर आप गरीबों के लिए भी एक फंड तैयार कीजिए और उस फंड के माध्यम से जो लोग चैरिटी के बेड्स नहीं पाए लेकिन गरीब है उनको वापस नहीं भेजना पड़े उनको भी पूरे उपचार इस प्रकार के फंड के माध्यम से आप कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में जो संकल्प है उस संकल्प को आप निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे आज महाराष्ट्र में नई सरकार के आने के बाद हम लोगों ने यह तय किया कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए पांच लाख तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की और पाँच लाख तक उनको इलाज मुफ्त में देने का निर्णय किया अब महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने हमारे यहाँ पर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना हम चलाते थे जिसमें डेढ़ लाख तक हम इलाज मुफ्त करते थे अब हमने भी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना को पाँच लाख तक मुफ्त इलाज के लिए तैयार किया है और इससे पहले हम लोग करीब छः करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ देते थे लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को यूनिवर्सल बनाया है और महाराष्ट्र के हर नागरिक को अब इस योजना के तहत हमने लाया है पूरे 12 करोड़ लोगों को हम लोग चयनित हॉस्पिटल्स में और करीब बारह सौ से ज़्यादा बीमारियों के लिए पांच लाख तक का इलाज मुफ्त देंगे इस प्रकार का ये निर्णय अपनी नई सरकार ने यहाँ पर लिया है और मैं ये चाहूँगा कि योगेश भाई केंद्र सरकार की योजना तो आप ले ही साथ में महाराष्ट्र सरकार की योजना के लिए भी आप अप्लाई करें तो निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में भी हम लोग एम्पनल करेंगे ताकि ये जो गरीबों की सेवा का भाव इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के माध्यम से आपने शुरू किया है उस भाव में सरकार का भी की भी मदद आपको निश्चित रूप से मिलेगी और इस भाव को हम लोग आगे ले जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे योगेश जी को मैं इतने सालों से जानता हूं और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं और पूरी क्षमता के साथ वो काम पूरा करते हैं मैं ऐसा मानता हूं कि समर्पित कार्यकर्ता ये बहुत कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं के का अगर हम विचार करें तो मेरे सामने योगेश भाई का नाम आता है जो हर काम पूरे समर्पण के साथ करते हैं और इसलिए भाषण देना तो आसान होता है लेकिन उसको कृति में लाना कठिन होता है लेकिन आज योगेश भाई ने अपने भाषण में जिन शब्दों का उपयोग किया उन सारी चीजों को अपने कृति में लाने का काम योगेश भाई करते हैं इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उनका जो चरित्र है वो बिरला है और एक राजनेता के साथ साथ अपनी सामाजिक भावना को उन्होंने हमेशा जागरूक रखा है और सेवा का जो मंत्र एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने बचपन से सीखा उस मंत्र को ही लगातार यथार्थ में लाने का प्रयास ये योगेश भाई करते हैं इसलिए मैं योगेश भाई आपको और सुवर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ऐसी ही श्रद्धा के साथ और आप में जो प्रामाणिकता भरी है उस प्रामाणिकता के साथ आप आगे भी कार्य करते रहिए और मेरा विश्वास है कि आशीर्वाद ईश्वर का आपको मिलते रहेगा अच्छा कार्य आपके हाथ से होता रहेगा और सेवा कार्य की प्रेरणा जिस विचार से हमको मिली है उसी विचार के हमारे प्रमुख परम पूजनीय मोहन जी ये उद्घाटन के लिए आए हैं तो मोहन जी जब उद्घाटन को आते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात तो है ही लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हमारे लिए जिम्मेवारी की भी बात है क्योंकि उनके हाथों से जिस कार्य का उद्घाटन हुआ है उसमें श्रद्धा का भाव और सेवा का भाव कभी भी कम न हो ये भी हम लोगों को जिम्मेवार के साथ देखना होगा और वो आप करेंगे ये विश्वास में व्यक्त करता हूं फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूं पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं और इस अच्छे कार्य में आपने मुझे बुलाया इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र